79 की डिग्री फर्जी है, 83 की डिग्री फर्जी है, या 2005 का उनका भाषण फर्जी है? जो अपने डर उनके मन में है कहीं ना कहीं कि भ्रष्टाचार के चलते उनका एक के बाद दूसरा मंत्री जेल गया है, अब उनका नंबर है। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का दिमाग थोड़ा खराब हो गया है, क्योंकि केजरीवाल को पता है कि एक दिन उसका भी नंबर आएगा, वो भी जेल जाएगा, तो वो अभी बहुत ज्यादा घबरा गए हैं। मेरा तो सिंपल एक सवाल है खाली उनसे कि अगर उन्होंने 79 और 83 में बीए और एमए कर लिया था तो 2005 में मुख्यमंत्री के तौर पे वो क्यों इस बात को कह रहे थे कि उन्होंने स्कूल से ज्यादा पढ़ाई नहीं की? तो इसलिए आज उनकी डिग्री पे जो सवाल उठ रहा है ये बहुत गंभीर सवाल है, और अगर इसकी पूरी गहनता से जांच हो और ये डिग्री फर्जी पाई जा रही है तब तो उनको उनकी सदस्यता जा सकती है। इस पे लेकिन बीजेपी सवाल कर रही है कि फैला रहा है, अब आप लोगों ने फिर से इसे उठाया क्योंकि आम आदमी पार्टी पे जो भ्रष्टाचार के आरोप है, जो मामले चल रहे हैं उससे ध्यान हटाया जा सके। अरे भाई, भ्रष्टाचार का आरोप तो सर से लेके पांव तक ये सरकार डूबी हुई है। अडानी के घोटाले पे कुछ नहीं बोल रही है, जेपीसी नहीं बना रही है, अब इसमें एक नया मामला आ गया हाईकोर्ट के फैसले के बाद। हम थोड़ी लेके आए, हाईकोर्ट ने कहा कि जो डिग्री मांगेगा उस पर जुर्माना होगा। तो इसके बाद तो ये सवाल पूरे देश में उठ रहा है कि क्या कोई क्लर्क की नौकरी पाना चाहे, चपरासी की नौकरी पाना चाहे, उसकी डिग्री नहीं मांगी जाती, और भारत के प्रधानमंत्री की डिग्री मांग ली गई तो उस पर आप जुर्माना कर देंगे? सवाल तो ये उठेगा ना, हम थोड़ी इस मामले को लेके आए। मुझे लगता है केजरीवाल जी अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, जब उनके आधे से ज्यादा मित्र जेल में है भ्रष्टाचार के मामले में, शराब घोटाले में, अन्य घोटालों में, तब उनको दिखता है एक एक करके जेल जा रहा है, उनका नंबर भी कहीं ना कहीं आने वाला है। शराब घोटाले में मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया जी जेल में है और किंग पिन अरविंद केजरीवाल अभी भी बाहर है, तो डर ये सता रहा है और ये वातावरण खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे झूठ बोल बोल कर नैरेटिव खड़ा किया जाए। 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में उन्होंने यही अनाप शनाप बयानबाजी की, उस समय भी अरुण जेटली जी ने और अमित शाह जी ने पब्लिकली आकर प्रधानमंत्री जी की बीए एमए की डिग्रीज को रखा। कोर्ट ने लताड़ लगाते हुए अरविंद केजरीवाल जी को दो दिन पहले कहा कि आप बेतुका ये काम कर रहे हैं और 25,000 रुपये का जुर्माना भी केजरीवाल जी पर लगाया। जब पब्लिक डोमेन में ये डिग्रीज हैं तो आखिरकार आरटीआई का काम या फिर सीआईसी में जाने का काम क्या बनता था? इसका मतलब केवल सुर्खियों में बने रहना और केवल एक देश में एक वातावरण इस तरह का खड़ा करना, ये काम अरविंद केजरीवाल जी का हो गया है जो सच्चाई से परे है, और ये दिखाता है कि वो अपने डर उनके मन में है कहीं ना कहीं कि भ्रष्टाचार के चलते उनका एक के बाद दूसरा मंत्री जेल गया है, अब उनका नंबर। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का दिमाग थोड़ा खराब हो गया है कि जिस प्रधानमंत्री के पीछे आज पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व आज उनको सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, सबसे लोकप्रिय लीडर मानता है, वहीं एक ऐसे दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारे देश की प्रधानमंत्री को छवि खराब कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो शराब में घोटाला किया और उनके सारे मंत्री जो जेल जा रहे हैं वो उसे बचना चाहते हैं, वो उसको उसकी दिशा को मोड़ना चाहते हैं, क्योंकि केजरीवाल को पता है कि एक दिन उसका भी नंबर आएगा, वो भी जेल जाएगा, तो वो अभी बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं, तो बहुत ज़्यादा डर गए हैं। इसलिए जिस हमारे प्रधानमंत्री को हमारे अपना विश्व के इतने सारे देशों ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में बोलना उनको शोभा नहीं देता। आज पूरा देश उनके पीछे खड़ा है, आज सभी चाहते हैं कि उनको लंबी आयु मिले और जब तक उनका स्वास्थ्य ठीक रहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने रहें।